अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी लर्निंग। आई कैप की तरफ से 8 अगस्त को नोटिफिकेशन आना था, जिसमें उन्होंने बताना था कि आपने जो है अपना सॉफ्टवेयर जो है उसे आपने कैसे यूज़ करना है, एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल है। मैंने आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उसके बारे में आपको बताया भी था, लॉगिन करके भी जो अपने प्रैक्टिस मटीरियल के अंदर जो मैंने एफ सी का डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आज मज़ीद इसकी जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लें जो आई कैप ने बनाई हुई है। सबसे पहले जो क्यू एम के क्वेश्चन में बच्चों का क्वेश्चन था कि वहाँ पर कैलकुलेटर की ऑप्शन होगी या नहीं होगी, तो ये देखें आपके पास यहाँ पर साइड के ऊपर यहाँ पे जो कैलकुलेटर की ऑप्शन है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर तमाम जो है ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मैनुअल कैलकुलेटर भी जो कि आई कैप की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो कि आई कैप ने बताया है कि कौन कौन से कैलकुलेटर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस लिस्ट को आप देख लें और उस लिस्ट के अंदर जो कैलकुलेटर अवेलेबल हैं वो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो आराम से जो है उन कैलकुलेटर को यूज़ करके अपना पेपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने क्वेश्चन जो परफॉर्म करने होते हैं वो किस रफ वर्क पे परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए नोट पैड जो है वाई के आपने इशू कर दिया, कैलकुलेटर के साथ ही नोट पैड की ऑप्शन है, इसके ऊपर जो है आप अपने क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसमें जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा, आज से आगे जो है आप इसको सॉल्व करके जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है अपने रफ वर्क यूज़ कर लेंगे। नीचे जो है इसने रफ़र के बारे में बताइए, फॉर क्यू टी एम पेपर क्वांटिटी मैथमेटिक्स पेपर नोट पैड इज़ प्रेजेंटेड इन द एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर डूइंग अ रफ़र, प्लीज़ नोट दैट द नोट पैड ओपन ऑन अ फ्रेश पेज फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए फ्रेश पेज के ऊपर जो है ओपन होगा, एंड अ वर्क डन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन इज नाइदर सेव नॉर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पिछला आपने वर्क किया होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। बेसिक जो इशू था वो हमें क्वांटिटी मैथमेटिक्स का ही था, स्टूडेंट्स का यही सवाल था कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर भी मैंने आपको जो है उसकी गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि आप आईटी के पेपर के लिए जो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारा कुछ जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे, मैथमेटिक टेबल्स वो भी आपको ऑनलाइन जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे, आप इनको जाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट की यहाँ पे ऑप्शन भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है वो फ्लैग की ऑप्शन आ जाती है, जिसको मैंने प्रैक्टिस मटेरियल की वीडियो के अंदर आपको जो है वो परफॉर्म करके भी दिखाया था कि आप क्वेश्चन को फ्लैग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन फ्लैग हो जाएंगे, बाद में आप आकर अगर आपके जहन में आए कि इसके ऑप्शन ये नहीं बनती, कोई और ऑप्शन बनती है, तो आप ऑप्शन को उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ओवरव्यू, यहाँ ओवरव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लाइन भी आ जाएगी जहां से आप ओवरव्यू में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबरिंग में आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, नेविगेशन क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे जाना चाहते हैं, 22 पे जाना चाहते हैं, आप स्विच भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्टेड आंसर करेंगे तो वो जो है बबल फिल हो जाएगा और वो नीले कलर में हो जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे पिछला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो जाएगा, क्लॉक की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी जिसे आप काउंट अप कर सकते हैं, काउंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास ये भी होगा, अगर आप क्लॉक को जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो आप क्लॉक के ऊपर हाइड भी कर सकते हैं और क्लॉक जो है वो आपको शो नहीं होगी। इसके अलावा जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लोडिंग लेगा, अगर आप एक एमसीक्यू से दूसरे एमसीक्यू में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो आपके इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से और सिस्टम की एफिशिएंसी के हिसाब से जो है वो लोडिंग टाइम भी ले सकता है। उसके बाद एंड द स्क्रीन के ऊपर लास्ट में आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जहाँ पर लिखा होगा थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टेस्ट, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग ऑफ हो जाएंगे। अब बेसिकली जो था वो ये डिस्कस करना था कि हम लोग जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी जो हैं वो एएफसी के स्टूडेंट्स के लिए लाइव सेशन जो है वो अनाउंस करने लगे हैं। मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी जो है वो बता दूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो है वो आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि कब वो लाइव सेशन होगा, जिसमें हम लोग जो हैं आपको बताएंगे कि आपने पेपर कैसे देना है, कैसे परफॉर्म करना है, और आपके जो भी उन चारों पेपर से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस होंगे एफसी से उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लाइव सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा उसकी टाइमिंग मैं इंशाल्लाह जो है वो जल्दी अनाउंस कर दूंगा। इसके अलावा जो है आपको प्लेलिस्ट में जो है हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप जाकर वो भी ले सकते हैं, आईटी के, क्यूएम के, इंग्लिश के, बीसी के। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको एफसी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए हो तो आप उस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।